नमस्कार, मैं हूं दिनेश दसूनी। आप देख रहे हैं SW24 न्यूज मध्य प्रदेश। एक बार फिर से आज हूं जनता की बात कार्यक्रम के साथ। कल हमने जनता की बात कार्यक्रम में चुनावी नतीजों को लेकर लोगों की राय, परामर्श और उनके विचार जानने के प्रयास किए। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फिर से एक बार हम लोगों की राय, परामर्श जानेंगे। अब जब एग्जिट पोल आ चुके हैं, एग्जिट पोलों ने किन्हीं दलों को खुशी का अवसर दिया है तो कई दलों को एक अवसर दिया है कि मंथन करें और निर्दलियों को भी एक कुछ आंकड़े निर्दलियों के भी बताएं, तो वो भी एक उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि ये सभी स्थितियां जो है 3 तारीख को स्पष्ट हो जाएगी, 3 दिसंबर को, यानी अब कुछ ही घंटों बाद ये स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी एग्जिट पोल के बाद भी अब अनुमान ये लगाए जा रहे हैं, जैसे निमाड़ में, हम मैं किसी भी एग्जिट पोल की बात नहीं करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं निमाड़ को लेकर के जो एग्जिट पोल आए हैं वो एक मंथन वाली बात आई है और निमाड़ की सीटों को लेकर अब मंथन शुरू हो गया है। कौन सी सीट कहाँ जा रही है, विचार बन रहे हैं कि खरगोन विधानसभा का ऐसा रहेगा, भगवानपुरा विधानसभा का ऐसा रहेगा, इस तरह से गणित होंगे, ये इस तरह का आंकड़े चलेंगे, इतनी सीटें खरगोन जिले की इस पार्टी को मिल रही है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर भी एग्जिट पोल आने के बाद मंथन शुरू हो चुका है। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं, हमारे जनता की बात कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कल जारी हुए एग्जिट पोलों ने कहीं ना कहीं भाजपा के लिए खुशी की लहर और खुशी का माहौल खड़ा कर दिया है। भाजपा के समर्थक मानने लगे हैं कि कहीं ना कहीं अब मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा अपनी सरकार बना रही है और भाजपा एक बार फिर से मध्य प्रदेश पर अपनी सत्ता हासिल कर रही है। एग्जिट पोल को लेकर के हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ राजेश जी, क्या लगता है इस बार एग्जिट पोल भाजपा के समर्थन में जा रहे हैं, क्या लगता है? बिल्कुल समर्थन में है। अच्छा, वॉलेट मतलब भाजपा की सरकार बन रही है, भाजपा की सरकार बन रही है। इसे कौन से काम थे जो जमीन के ऊपर काम कर गए और भाजपा को फायदा हो गया? मेन तो लाडली बहना चली है और महिला का वोट प्रतिशत बढ़ा है, इसी कारण जो 81 और जो 82% बढ़ा है तो इसी कारण बना है। कल कहीं ना कहीं मैंने एक कांग्रेस कार्यकर्ता ही कहे, क्योंकि कांग्रेस को समर्थित थे वो, उन्होंने कहा था कि वोट प्रतिशत इसलिए बढ़ा है तो उनकी सरकार बनने के चांसेस थे। आप कह रहे हैं कि महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है, क्या लगता है वोट प्रतिशत का कुछ प्रभाव खरगोन विधानसभा में क्या रहेगा? खरगोन विधानसभा में रहेगा, जरूर रहेगा। महिलाओं का परसेंट जो बढ़ा है ना वोटर, तो उसे जरूर मिलेगी हमको बेनिफिट आपको मिलेगा। हाँ बिल्कुल, वॉलेट। और क्या लगता है खरगोन विधानसभा किसकी जीत होगी? बालकृष्ण पाटीदार जी की जीत होगी। खरगोन से भी जीतेंगे और मध्य प्रदेश भी जीतेंगे। बालकृष्ण पाटीदार की जीत की आप बात कर रहे हो, खरगोन शहर आता है, खरगोन शहर में मुस्लिम वोटरों का साथ कितना मिलेगा बालकृष्ण जी को? कुछ परसेंट मिलेगा मुस्लिम वोटरों का, मिलेगा 25-30% अपन को मिलेगा, उसका भी मिलेगा सहयोग, क्योंकि लाडली बहना जो उनको उपयोग ले रहे हैं, योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, इस कारण जरूर मिलेगा। एक सरकार को लेके एक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह जी को हटाया जाएगा, क्या कहेंगे इस पर? कोई अभी निश्चित नहीं, जो हाईकमान बोलेगा पार्टी जो भी है, अभी तो कोई ऐसा विचार नहीं है कि हटाया जाए कि नहीं हटाया जाए, कि अभी प्रस्तावित कोई है नहीं कि CM शिवराज सिंह ही होगा। जो कमेटी होगी, विधायक दल के नेता चुना जाएगा, मुखिया चुना जाएगा, उसके बाद वही होगा। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग्स करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग करते हैं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 18 सालों से कह लीजिए, 15 साल से शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, ऐसे कौन से काम मुख्यमंत्री जी के अच्छे रहे हैं जो एक बार फिर से उनको मुख्यमंत्री बनने का अवसर देंगे? अब ये देख ही रहे आप, लाडली बहना तो सर्वप्रथम है ही, उसके पहले अनगिनत योजनाएं चल रही उनकी, संबल भी वापस, जो भी जिन्होंने जो बंद करी तो वापस चालू कर दी है ना, किसानों के हित में जो चल रहे पैसे, सम्मान निधि मिल रही है ना, मेडिकल लाइन की। राजेश जी, एग्जिट पोल भाजपा का समर्थन बता रहे हैं, आप कितना मानते हैं एग्जिट पोल को, कितना सही मानते हैं? एग्जिट पोल करीब करीब सही है आकलन, मतलब वो बराबर ही आता, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, कुछ आता है, बाकी कई एग्जिट पोलों ने निमाड़ की स्थितियां बताई है, तो निमाड़ की स्थितियों में भी क्या रहेगा, कितनी सीटें निमाड़ में, मतलब खरगोन जिले के अंदर, खरगोन विधानसभा से कुछ हो, विधानसभा को क्या, मतलब पूरी की पूरी 6 सीटें BJP के हाथ से निकल गई थी, इस बार क्या स्थिति रहेगी? इस बार रहेगी स्थिति पूरी 5 सीट आने की संभावना है, 6 में से 5 सीट हाँ, आएगी, 1 सीट जा सकती है, 1 सीट संभावना तो जा, कौन सी सीट हो सकती है वो
देखें आप कौन सी सीट भगवान पूरा, एक सीट आप मानते हैं? हाँ, एक सीट भगवान पूरा का अनुमान भी लग रहा है। हाँ। एक भगवान पूरा सीट का अनुमान आपको लग रहा है, वो जाएगी, बाकी सीट आपके पास पूरी आ रही है भाजपा के पास। आपका क्या नाम है? महेंद्र कानून को। महेंद्र जी, क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? सरकार बनेगी बीजेपी की ओर। बीजेपी की सरकार बनेगी, ऐसा क्यों लगता है, क्या कारण है? ऐसा लगता है कि कई योजनाएं चालू कर रखी है शिवराज सिंह ने, किसान सम्मान निधि योजना प्रधानमंत्री ने भी चालू करी है, किसान सम्मान निधि योजना, फिर लाडली बहना योजना, ये संबल योजना है, ऐसी कई सी योजनाएं हैं जो लागू की है। खरगोन में क्या रहेगा इस बार? खरगोन विधानसभा को लेकर वही कड़ी टक्कर बता रहे जा रहे हैं रवि जोशी और बालकृष्ण पाटीदार के बीच में, क्या लगे रहेगा? पाटीदार जी आएंगे, बालकृष्ण पाटीदार, बालकृष्ण पाटीदार जी जीतेंगे। पूरी संभावना के साथ में कह रहे हैं कि आएंगे पाटीदार जी। जनता की बात में हम एक पब्लिकली पब्लिक प्लेस पर खड़े हैं और उनके इस चौराहे के ऊपर खड़े हैं। यहाँ पे बहुत से लोग हमारी चर्चा को देख करके आ रहे हैं और हमारे साथ और एक जने जुड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश पाटीदार। दिनेश जी, क्या लगता है इस बार कौन विजयी होगा? विजय कमलनाथ होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा क्यों लगता है, क्या कारण है कांग्रेस की सरकार बनेगी? कांग्रेस की सरकार इसलिए बनेगी क्योंकि पिछली भी किसानों को उन्होंने कर्जा का जो वादा किया था वो करते करते उसमें जो अधूरापन रह गया तो किसानों को उससे उम्मीद है, और उन्होंने कुछ किसानों का कर्जा माफ़ भी किया है और किसानों का कर्जा माफ़ करेगी कमलनाथ सरकार, इसलिए कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी, आपको लगता है कि कमलनाथ जी ने पिछली बार कर्ज माफ़ी का जो वादा पूरा किया थोड़ा अधूरा रह गया था उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे? एक बात सबसे बड़ी बात यह आती है कि चुनाव जो होते हैं, जब भी चुनाव हुए हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे वादे होते हैं। इस बार कांग्रेस ने भी 5 वादे किए हैं, ओपीएस है, गैस टंकी को लेकर के है, लाडली बहना की जगह नारी सम्मान योजना है, ऐसे कई सारे वादे किए। क्या लगता है कांग्रेस यदि जीतती है तो अपने वादे पूरे कर पाएगी? इसलिए कर पाएगी क्योंकि पिछले भी उन्होंने जो वादे किए हैं कमलनाथ सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, वो पूरा कर, धीरे धीरे कोई सा भी काम हो, बिल्डिंग बनती है तो धीरे धीरे निर्माण होता है, इसलिए कांग्रेस सरकार भी धीरे धीरे काम करने जा रही थी, पर कुछ कांग्रेसी नेताओं ने जो बिक गए इसलिए वो कमलनाथ सरकार गिर गई और वो उनके वादे कांग्रेस सरकार पूरा नहीं कर पाई। पर पब्लिक को विश्वास है कि कांग्रेस सरकार ही पूरा काम करती है, कांग्रेस सरकार ही पूरा काम करेगी। रविशंकर जी, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बना रहे हो? इस बार सरकार तो कांग्रेस की बनना तय है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा क्यों लगता है, क्या कारण है इसका? ये इसलिए लग रहा है कि जन आक्रोश ज़्यादा है और उसके साथ साथ एक बात ये भी है कि जो भी काम जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए हैं। सभी काम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं, इस कारण से जनता में आक्रोश आपको लग रहा है, जनता आक्रोशित है। हाँ, जनता शिवराज को बदलना चाहती है, बदलना चाहती है। एक सबसे बड़ी बात चुनाव इस चुनाव में देखने को मिली है, भाजपा की ओर से टिकट में बड़ी देरी हुई, कहीं ना कहीं बालकृष्ण पाटीदार को इसलिए टिकट दिया गया कि पाटीदार वोटर यहाँ बहुत ज़्यादा है अपने एरिया में, अपने विधानसभा क्षेत्र में। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं उसका फायदा बालकृष्ण पाटीदार को पहुँचेगा या रवि जोशी ही एक बार फिर से जीत हासिल करेंगे? देखिए, जो पाटीदार समाज वाली जो जहाँ तक बात है, इसमें क्या है कि पाटीदार समाज में पाटीदार समाज का चलता है, लेकिन ये जो कर्ज माफ़ी वाला जो प्रोग्राम है ये कर्ज माफ़ी वाला ज़्यादा चलेगा, कर्ज माफ़ी पे ज़्यादा, क्योंकि क्योंकि ये लिस्ट है मेरे पास है, ये लोगों के कर्ज माफ़ भी हुए हैं, ये पिछली लिस्ट है ना, 1.5 लाख, 50 लाख, ये 50,000, फिर 1.5 लाख, 2-2 लाख, तो ये कर्ज माफ़ हुए हैं, कर्ज माफ़ हुए हैं। ये लोगों की विश्वास, लोगों के विश्वास बना हुआ है कि ये जो सरकार गिरी थी उसके बाद में गिरने बाद कर्जा पूरा माफ़ होता, लेकिन सरकार गिरने के बाद में जो रह गए लोग वो अब कमलनाथ सरकार अब करेगी। खरगोन में क्या लगता है, रवि जोशी या बालकृष्ण पाटीदार? रवि जोशी फाइनल है, रवि जोशी फाइनल है। क्यों लगता है, क्या कारण है? देखो, इसका कारण ये है कि एक तो जो मोमेडियन जो वोट है वो तो 100% को मिलेंगे, रहा सवाल जो पार्टी के वोट हैं वो भी मिलेंगे, और कुछ शहर में क्या कि जैसे और जो समाज हैं, जो अपने बनिया समाज है, महाजन समाज है, फिर अपने ब्राह्मण समाज है, और जो ओबीसी भी जो रहेगी, ओपीएस वाला जो है प्रोग्राम, ओपीएस वाला भी ज़्यादा चलेगा। इसमें एक काम ये भी है कि रवि भाई छोटे जो मध्यम परिवार है उनके घर तक जाते हैं, बालकृष्ण से उसकी जीन से अभी तक किसी के घर बाहर भी निकला, मतलब कहीं ना कहीं वो बड़े परिवार जो बड़े
जो बड़े लोग हैं उनको महत्व देता है, छोटे परिवार को नहीं महत्व देता। और अपने खरगोन विधानसभा में छोटे पब्लिक ज़्यादा है, तो वो ये भी कहने का मतलब ये है कि मिलनसारिता जो रवि जोशी जी की मिलनसारिता है, अभी 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 इलेक्शन अभी हुआ उसके बाद उनने दौरे कर दिए, जहाँ दुखी परिवार था उनको सांत्वना देने के लिए उन्होंने बिल्कुल टाइम निकाला और आए। रवि जी, आपने एक सबसे बड़ी बात ये कि भाई साहब कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटरों का साथ आपको मिलेगा और मुस्लिम वोटरों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा धक्का लगेगा, खरगोन में मुस्लिम वोटर कांग्रेस के साथ रहेंगे, ऐसा क्यों लगता है, क्या कारण है, क्या भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी? नहीं नहीं नहीं, मुस्लिम विरोधी सी बात नहीं है। ये क्या, जो खरगोन में जो झगड़े हुए और जो झगड़ों का जो चला सिलसिला, ये क्या है, जनता पार्टी की प्री प्लानिंग थी झगड़े कराने की, ये जानबूझ के झगड़े कराए हुए हैं ये। दिग्विजय, वो इसके शिवराज सरकार उसके बाद भी झगड़े हुए क्यों हुए, क्योंकि आपने जो प्रशासन था वो आपके हाथ में नहीं था, आपने उसकी व्यवस्था नहीं करी, नेता रामनवमी पे झगड़े नहीं होते। कांग्रेस के प्रशासन में झगड़े नहीं होते, कांग्रेस के प्रशासन में झगड़े नहीं होते। कहीं ना कहीं इन लोगों का ये कहना है कि लगभग ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, रवि जोशी जीत रहे हैं, और ये मामला जो है, ये माहौल जो है एक तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्या कह रहे हैं? खरगोन में रामनवमी पर जो झगड़े हुए, इन्होंने जानबूझकर मतलब मस्जिद के सामने कम से कम एक से डेढ़ घंटे तक डीजे बड़ी तेज आवाज़ में चलाए, उनको नमाज नहीं पढ़ने दी गई, और इन्होंने जानबूझकर विवाद को बढ़ावा दिया और लड़ाई हुई। हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी, हम लोगों से राय जानने का प्रयास करेंगे, बहुत सारे लोगों से राय जानी है और बहुत से लोगों से आप राय जानेंगे। आपको क्या लगता है किसकी विजय होगी, कौन जीतेगा? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हाँ, ऐसा क्यों लगता है? मैं 1977 से सक्रिय हूँ राजनीति में सक्रिय 1977। हाँ, उस समय दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो ये रोड पे मिट्टी डालती थी, डम्बर तो डालना दूर है, मिट्टी डालते थे। आज 18 साल में शिवराज सिंह ने ऐसी रोडें बना दी, नल जल सब योजनाएं करी है ना, और बहुत से काम ऐसे शिवराज सिंह ने किए जिससे भारतीय जनता पार्टी में हर आदमी का वो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक सर्टी वाले पैसे मांगने आए तो हमको भागना पड़ता था, अच्छा। हम भगते थे, इधर उधर दपटते थे, आज वो स्थिति तो नहीं है ना भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में। आपको लगता है शिवराज के ऊपर लोग विश्वास करें? हाँ, बराबर विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर करें। चुनाव अनुमानों के साथ अब कहीं ना कहीं एग्जिट पोल आ चुके हैं, एग्जिट पोलों को लेकर भी कई तरह की कवायद चल रही, कई तरह के कयास चल रहे हैं, कई तरह के निष्कर्ष भी निकाले जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के एक निवासी जुड़ रहे हैं, क्या नाम आपका? कृष्णकांत पाटीदार। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा? एग्जिट पोल जो आ रहे हैं उससे अनुमान जो लगाए जा रहे हैं कि दोनों पार्टियाँ कह रही कि हम आ रहे हैं, हम कह रहे हैं हम आ रहे हैं, ये तो आप EVM में बंद हो गया है, अब किसका भाग्य जागेगा ये कोई कह नहीं सकता। अनुमान तो दोनों पार्टियां लगाएगी, अनुमान दोनों पार्टियां लगा रही। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा? अब मैं कांग्रेसी हूं तो मैं तो बोलूंगा कि कांग्रेस की बन रही है, अच्छा। बीजेपी वाले कहेंगे कि बीजेपी की बन रही है, हाँ। लेकिन भाग्य तो मतदाताओं ने फिट किया है ना। अच्छा, खरगोन में क्या लगता है, कौन खरगोन में, आप जैसे बता रहे हो कि मैं कांग्रेस समर्थक हूँ, क्या लगता है आपका कांग्रेस गणित क्या कहता है, किसकी विजय होगी, रवि जोशी जी का पलड़ा कैसा क्या रहेगा, उन में क्या स्थिति रहेगी? उनमें रवि जोशी जी को लीड मिलेगी, ये मैं कहता हूँ। हाँ, आपका कहना है? हाँ, रवि जोशी जी लीड लेके लेके निकलेंगे। खरगोन में क्या स्थिति रहेगी, हार जीत को लेके क्या स्थिति रहेगी, बालकृष्ण पाटीदार और रवि जोशी जी के बीच में क्या स्थितियाँ रहेगी? फिर वही बात मैं बोलूँगा ना कि हम कहेंगे कि रवि भाई जीत रहे हैं, वो कहेंगे कि बालकृष्ण जीत रहे हैं। मतलब अभी स्थितियाँ स्पष्ट नहीं है? स्थिति तो स्पष्ट नहीं है, आने वाली 3 तारीख को ही पता चलेगा कि किसने कितना मतदान किसके दल में किया है। आप उनसे रवि जोशी जी को लीड मानते हैं, कितने वोटों की लीड मिल सकती है उनसे? अधिकतर क्या है, उनका एक पुराने आंकड़े अपन उठाए तो उनमें कहीं ना कहीं भाजपा लीड ले जाए लेती जाती रही है। आपको क्या लगता है उनमें कितनी लीड ले जाएंगे, रवि जोशी जी को कितना आप सहारा दे सकते हैं उनमें? उनमें हम 2000 भी कह सकते हैं, कहने को तो 2000 लीड भी कह सकते हैं,
लेकिन अब मतदाताओं ने जो दिया है, हम जो अनुमान लगा रहे हैं उससे हम कह रहे हैं कि हम 200 से 250 की लीड देंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतोष भालसे। क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा? देखो अभी अनुमान तो दोनों पार्टी लगा रही है, एग्जिट पोल सभी का निर्णय बता रहा है। अब पल्ला किसका भारी है ये तो आने वाला समय 3 तारीख को ही बताएगा, 3 तारीख को स्पष्ट होगा। हाँ, फिर भी आप एक अनुमान से, इतने चुनाव आपने देखे, क्या अनुमान से क्या लगता है, क्या अनुमान रहेगा? जैसे एग्जिट पोल आए तो एग्जिट पोल सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं, और एग्जिट पोलों को एक अनुमान ही माना जाएगा। जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसा ही एग्जिट पोल एक अनुमान होता है और लगभग हर व्यक्ति तक, हर मतदाता तक तो पहुँचा नहीं जा सकता है एग्जिट पोल में, फिर भी आपको क्या लगता है? देखो हम तो कांग्रेस ही है, कांग्रेस के पक्ष में बोलेंगे, बाकी भारतीय जनता पार्टी वाले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलते, इसलिए हमारा तो अनुमान है कि कांग्रेस का ही समर्थन से सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बन रही है। दीपक से किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा? भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ऐसा क्यों लग रहा है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? क्योंकि उनके सारे काम अच्छे हैं, काम जो अच्छे किए उन्होंने, उनसे काम अच्छे किए। अभी उन्होंने लाडली बहना योजना जो चालू की है उससे बहुत फायदा मिला भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को 1500 देने का वादा कर दिया था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 1500 के चक्कर में महिलाएं? नहीं नहीं, 1250 स्टार्ट मिल चुका है और उससे सब महिला खुश है, और आगे भी 3000 मिलेगा तो और उससे भी और महिलाओं का वोटिंग वोट बढ़ेगा। अच्छा, आप जैसे कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, खरगोन में क्या स्थितियाँ रहेगी? खरगोन में तो अभी भारतीय जनता पार्टी के बालकृष्ण पाटीदारी विजय होंगे। आपको क्या लगता है? बीजेपी की सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सरकार बना रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी। दीपक जी, एक सबसे बड़ी बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी में कई मतलब आप देखते हो, हमने भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के गुटबाजी सबसे बड़ी चीज़ रही, और गुटबाजी में सबसे बड़ा कारण ये भी रहा है, हार जीत को गुटबाजी प्रभावित करेगी ऐसा लग भी रहा है, तो क्या लगता है कि गुटबाजी मतलब का असर देखने को मिलेगा या बालकृष्ण पाटीदार की सीधी जीत हो जाएगी? सीधी जीत होगी, गुटबाजी का कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। एक तरफा महिला वोटिंग हुई है और सभी लोगों ने राष्ट्रीय हित में वोटिंग की है, कहीं ना कहीं लोगों का ये भी मानना रहा कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सनातन को लेकर चल रही थी, क्या सनातन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा? बिल्कुल रहेगा। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि लाडली बहनाएं शिवराज सिंह को, यानी शिवराज सिंह की योजना जो है लाडली बहना योजना, कहीं ना कहीं भाजपा के लिए पॉजिटिव साबित होगी और भाजपा को जीत दिलाएगी। और भी हम बहुत से लोगों से बातचीत करते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आदिवासी क्षेत्र भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोट को प्रभावित करता है, चुनावों को प्रभावित करता है। हमारे साथ हमारे ही क्षेत्र के पनवाड़ा के एक आदिवासी जुड़ रहे, क्या नाम आपका? माल सिंह भाई, क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? ये जीपीएससी सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। ऐसा क्यों लगता है, क्या कारण है? 4 साल से पैसे बांटे खवाड़िया के गलत थोड़ा माने जाते हैं, 4 साल से पैसे दे रहे हैं आपको? हाँ, दे रहे। दूसरे कांग्रेस पार्टी थोड़े पैसे दिए हमको। अच्छा, वो थोड़े देगा आपको? जो 4 साल से जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है उसका आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जमीन पर फायदा होगा बीजेपी की सरकार बनेगी? मध्य प्रदेश में आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे, शिवराज सिंह या कमलनाथ? शिवराज सिंह ये जनता पार्टी वो जनता पार्टी वाले शिवराज सिंह को देखना चाहेंगे। आप भगवानपुरा विधानसभा से आते हैं, भगवानपुरा में पनवाड़ा गांव जो है भगवानपुरा विधानसभा का है, केदार डावर है और बीजेपी की ओर से भी है, तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? ये नहीं मालूम। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार बीजेपी होगे, बीजेपी की सरकार बनेगी। ऐसा क्यों लगता है, क्या कारण है? वो हमारे को मकान बनाने भी दे दिया, सब काम कर रहे हैं वो, तो उसको देंगे किसको देंगे यार, हमको उसको देना है। अच्छा, आपको मकान वगैरह आवास योजना का लाभ मिला है? हाँ, सब मिल गया और दे रहे हमको। और पहले खाक जाते थे कि रास्ते में पैसा आता था तो वो वही खा जाता था, अभी तो अपने खाते में मिल रहा है पैसे। आप चाहें तो आदिवासी भाषा में बोल सकते हैं, मैं ट्रांसफर करके बता दूंगा। आप चाहें तो आदिवासी भाषा में बोल सकते हैं। क्या बोला आपने कि पैसे का क्या था, क्या होता था पहले? ये कांग्रेस वाला वही खा जाते थे पैसे, काय भी योजना देते, तो अभी हाल अभी तो अपने अपने खाते में वही डाल देता पैसे, तो अपने अपने खाते में आ जाता, अपने खुद निकाल लेते हैं। मतलब और मकान भी हमको दे रखे है, मकान भी दे रखे है, सब अपने को वो कर रहा है यार, अपन उसको थोड़े यार देंगे, जो दे रहा उसको तो देंगे हम।
है? मतलब आपको जो योजना का लाभ मिला है उसका बीजेपी को फायदा मिलेगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। आप भगवानपुरा क्षेत्र में आते हैं, भगवानपुरा क्षेत्र में क्या स्थितियां रहेगी, कौन जीतेगा? केदार डावर है और आपके मतलब गृह गाँव से एकदम समीप रहते हैं, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के अंतर पर ही रहते हैं, क्या स्थितियाँ रहेगी उनकी? केदार डावर आ जाएगा ना, जीत जाएंगे केदार डावर। आप मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार कहते हैं और विधायक के रूप में केदार डावर को देखते हैं। आदिवासी क्षेत्र में है और इनका कहना ये था, एक आदिवासी क्षेत्र में आते हैं उनका, इनकी भाषा में इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं डीबीटी योजनाएं, जो डीबीटी गवर्नमेंट का जो डायरेक्ट ट्रांसफर योजनाएं थी, वो कहीं ना कहीं जो है भाजपा को एक सहारा देगी, एक पुशअप देगी और उसका फायदा उसको मिलेगा। इन्होंने अपनी भाषा में ये बात कही कि इनको आवास योजना और अन्य योजना का जो सीधा पैसा इनके खाते में आया है और उसका इनका सीधा लाभ मिला है। पहले इनका कहना है कि पहले ये पैसा जो था कहीं ना कहीं कट के आता था उनके पास, कमीशन के रूप में कट जाता था, वो आज जो इनके सामने आया, इनके सीधे अकाउंट के अंदर आया, उसका इनको फायदा दिखा और इन्होंने इस डीबीटी योजना को बीजेपी के लिए फायदेमंद बताया है। कल हमने लोगों की राय जानने का प्रयास किया, अनुमान जानने का प्रयास किया। आज जब एग्जिट पोल जारी हो गए हैं, एग्जिट पोल के बाद कई पार्टियों को कई दलों को एक खुशी का माहौल दे दिया है, तो कई लोगों को मंथन, कई पार्टियों को मंथन का भी अवसर दे दिया है और निर्दलीयों के लिए भी एक कहीं ना कहीं एक अवसर बना दिया है। तो एग्जिट पोल को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ उनके ही एक रहवासी जुड़ रहे, क्या नाम आपका? लोकेश पाटीदार। क्या लगता है लोकेश भाई, इस बार किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा? बीजेपी की बनना है। बीजेपी की सरकार बनेगी, ऐसा क्यों लगता है, क्या कारण है? योजना अच्छी है उनकी, लाडली बहना, आयुष्मान कार्ड, जमीन पे काम करती है बीजेपी। बीजेपी जमीन पे काम करती है, इसलिए आपको लगता है बीजेपी की सरकार बनेगी? हाँ। कमलनाथ जी ने, आप एक किसान हो, कमलनाथ जी ने कर्ज माफ़ी का कहा था कि कर्ज माफ़ी करेंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि कर्ज माफ़ी का कमलनाथ जी का वादा जमीन के ऊपर कुछ काम करेगा, किसान लोग उनके पक्ष में वोटिंग करेंगे? नहीं नहीं, वोटिंग की नहीं है, मेरा स्वयं का 50,000 का कर्ज नहीं माफ हुआ है, तो बाकी उनका क्या हुआ होगा? मतलब आपका कर्जा माफ नहीं हुआ है? नहीं हुआ, 50,000 का मात्र। अच्छा, खरगोन में क्या लगता है, खरगोन विधानसभा में बालकृष्ण पाटीदार, रवि जोशी, क्या लगता है आपको? नहीं, बालकृष्ण पाटीदार जी ऐसा, ऐसे कौन से काम किए जो मतदाता एक बार फिर से उन पर विश्वास करके उनको जिताएगी? रवि भैया जो है मतलब एक गुंडे टाइप के है और जो बालकृष्ण जी पाटीदार है, सरल स्वभाव के नेता है, जमीन पे काम करते हैं, हर सुख दुख में काम करते हैं, योजना उनका लाभ भी पूरी तरह से देते हैं, अनेक है उनके काम। आपका क्या नाम है? राधेश्याम। राधेश्याम भाई, क्या लगता है कौन विजय होगा, कौन जीतेगा? जनता पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ऐसा क्यों लगता है, भारतीय जनता पार्टी की जीत कैसे मान के चल रहे हैं? उनका पहला काम बोल रहा है, पहला काम बोलता है। ऐसे कौन से काम किए भारतीय जनता पार्टी ने जो आप बड़े खुश हैं उन कामों से, क्या 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 काम रहे हैं? हमारे ये पाटीदार विधायक महोदय का तो काम समाज में बहुत सारे काम दिए, धर्मशालाएं दी और ये जो योजनाएं चल रही उसका सुचारू रूप से लाभ मिल रहा है लोगों को, सुचारू रूप से लाभ ले रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात, बालकृष्ण पाटीदार जी के आप समर्थन की बात कर रहे हैं, तो बालकृष्ण पाटीदार जी के टिकट को लेकर के एक बहुत मतलब एक लंबी प्रक्रिया चली, कहीं ना कहीं टिकट एक अटका हुआ समझा जा रहा था, गुटबाजी का एक असर था, क्या लगता है इस बार चुनाव में गुटबाजी का बालकृष्ण पाटीदार जी को नुकसान पहुँचेगा? नहीं नहीं, बीजेपी में गुटबाजी नहीं होती है, गुटबाजी होती है तो कांग्रेस में सचिन यादव को नहीं बुलाया रवि भाई ने, अगर बुला लेते तो खरगोन का कर्ज माफ हो जाता। अच्छा, तो आपको लगता है कि गुटबाजी कांग्रेस में चलती है? कहीं ना कहीं बालकृष्ण पाटीदार के टिकट को लेकर भी गुटबाजी की अटकलें लगाई जा रही थी कि गुटबाजी की वजह से बालकृष्ण पाटीदार को टिकट नहीं दिया जा रहा है, क्या लगता है आपको? नहीं नहीं, वो सर्वे के हिसाब से हुआ, सर्वे में जैसा उनको उचित लगा हाईकमान को उस हिसाब से टिकट किया हाईकमान। आप एक पाटीदार वर्ग से आते हैं, पाटीदार जाति का वर्ग जो है, मैंने कल भी कहा था, कल भी बहुत से लोगों से राय जानने का प्रयास किया था, हमारे खरगोन विधानसभा में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां मतलब पाटीदार वोटर सबसे ज़्यादा हैं और गांव की संख्या लगभग 20 से 30 गांव ऐसे होंगे जहां पाटीदार ही वोटर हैं, मतलब लगभग 90% पाटीदार वोटर। क्या लगता है आपको, जातिवाद का क्या रहेगा? नहीं नहीं नहीं, बीजेपी में जातिवाद वगैरह कुछ नहीं चलता, सब परिवार है, बीजेपी तो एक परिवार है। बीजेपी एक परिवार है,
बीजेपी एक परिवार के रूप में काम करता है, पर कहीं ना कहीं बालकृष्ण पाटीदार को पाटीदार होने का फायदा मिलेगा क्या? वो तो आगे हाई कमान के ऊपर है, अपन क्या बताएगा। एक तरह से शहरी क्षेत्र खरगोन शहर से जुड़ा हुआ है, तो वहीं ग्रामीण इलाका भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी शहरी मतदाता तो मतदान करता ही करता है, ग्रामीण मतदाता भी इसमें बहुत अच्छा सहयोग देते हैं और मतदान को प्रभावित करने में ग्रामीण मतदाता का भी बहुत अच्छा एक तरीके से योगदान रहा है। हमारे साथ ग्रामीण क्षेत्र से ही छोटी उनसे हरिराम जी जुड़ रहे हैं। हरिराम जी, क्या लगता है इस बार किसकी जीत होगी? देखो, जहाँ तक मेरा मानना है कि मैं पूरे ग्रामीण अंचलों में मेरा परिचय है, सभी गांव मेरे को खरगोन ज़िले के 820 गांव में कुछ ही गांव बचे होंगे जो मेरे को नहीं पहचानते होंगे, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी आ रही है। मेरा अनुमान के अनुसार बीजेपी की सरकार बन रही है और खरगोन का मेरे को लग रहा है कि इस बार दादा जीत जाएंगे। ऐसे अनुमान किन आधारों पर आपने लगाए? क्या देखो, इनकी अनुमान ये है कि बहुत से योजनाएं उनकी पटल पे, जैसे फोकट में गेहूँ चल रहा है, जैसे लाडली बहन योजना चल रही है, तो मेरा अनुमान है कि पूरे मध्य प्रदेश में अगर शिवराज सिंह की सरकार आ रही है तो महिलाओं के कारण ही आ रही है, क्योंकि महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर इस बार वोटिंग की है। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोटिंग की, जिसका लाडली बहना का हाँ बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। हरिराम जी, सबसे बड़ी बात यह आती है खरगोन शहर भी हमारे साथ मतदान करता है, खरगोन शहर की स्थितियाँ क्या रहेगी, क्या रहेगा आपको? देखो, मेरा खरगोन में तो उठना बैठना है, तो मेरे ख्याल से खरगोन इस बार बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। बीजेपी के पक्ष में जा रहा है? हाँ। खरगोन में एक सबसे बड़ा वर्ग आता है मुस्लिम वर्ग और मुस्लिम वोटर, क्या बीजेपी के पक्ष में जाएगा? हाँ, महिलाओं के वोट मेरे ख्याल से गए होंगे बीजेपी के पक्ष। हाँ, मतलब आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुस्लिम वोटरों के साथ खरगोन शहर का लाडली बहना योजना का महिलाओं ने कुछ परसेंट तो वोट जरूर डाला होगा। कहीं ना कहीं आप भाजपा की सरकार का एक तरीके से अनुमान लगाते हैं? हाँ, ये अनुमान तो लग रहा है, क्योंकि हम भी घूमते रहते हैं, हमको अनुमान लग जाता है, क्योंकि दुकानों पर बैठना उठना होता है तो पता लग जाता है कि कौन आ रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल भी, अगर टेलीविज़न भी एग्जिट पोल निकालता है तो अधिकतर दुकानों से ही निकलता है, जैसे सेन की दुकान है, पान दुकान है, होटलें हैं, वहीं से एग्जिट पोल निकलता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार 120-121 सीट के करीबन मेरे ख्याल से आएगी। 120-121 का आंकड़ा बता रहे हैं मध्य प्रदेश में। हाँ, पिछली बार तो सरकार को टोटा पड़ गया था 9 सीटों के लिए, वो बड़ा मतलब जद्दोजहद करना पड़ा था, आखिरी में कांग्रेस की सरकार को गिराने तक की नौबत या सरकार गिरने की नौबत आ गई थी। मैं गिराने का नहीं कहूँगा क्योंकि मैं आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी नौबत आई थी कि सरकार गिर गई। क्या स्थिति रहेगी इस बार, स्पष्ट बहुमत बनेगा? इस पर स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा इस बार, स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा आप बता रहे हैं? हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा इस बार। चुनाव के अब एग्जिट पोल आ चुके हैं, एग्जिट पोलों ने कहीं ना कहीं एक दल को खुशी दी है तो दूसरे दल को सोचने का अवसर दे दिया है, कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ का अवसर दे दिया है। इसमें निर्दलीय भी कहीं ना कहीं ताक में बैठे हैं कि चलो किसी का भी फ़ोन आ जाए, कहाँ किस दल से भी फ़ोन आ जाए और कहीं ना कहीं अपना भी कुछ भला हो जाए, तो निर्दलीय भी एक उम्मीद लगाए बैठे हैं। और इस तरीके से देखें हम तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अनुमानों के सिलसिले के साथ एग्जिट पोल ने एक खुशी की लहर भी कर दी। हमारे साथ यहाँ उनके एक जुड़ रहे हैं, क्या नाम आपका? जितेंद्र मंडलोय। क्या लगता है मध्य प्रदेश में क्या स्थितियाँ रहेगी? मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी की सरकार बन रही है, ऐसा क्यों लग रहा है, क्या कारण? ऐसा क्यों लग रहा है क्या कि इतनी सारी योजनाएं हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं? हाँ। कैसी योजना है जन्म से मृत्यु तक, कौन सी योजना? जन्म से बच्चा पैदा होता है, उसके बाद उनको पैसा मिलता है, उसकी शादी का पैसा, और लड़की हुई तो उसका मतलब एक FD करके पैसे रख रहा है शिवराज सिंह जी, उसके बाद जननी सुरक्षा योजना, मतलब बहुत सारी ऐसी योजना, कहीं ना कहीं आपको लगता है योजना संबल योजना, आखिरी में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए में तुमको दिए जाएंगे, कहीं ना कहीं शिवराज सिंह की योजनाओं का फायदा मिलेगा? मिलेगा। जितेंद्र जी, एक सबसे बड़ी बात योजनाओं की आपने बात की, तो मध्य प्रदेश सरकार इन योजनाओं को चलाते चलाते कर्ज के बोझ तले दब गई है। कल मैंने एक लगभग सभी से प्रश्न किया था, एक बार फिर से वही प्रश्न मैं करना चाहूँगा, क्योंकि ये मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं,
लगभग 3.85 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में है और मध्य प्रदेश का हर नागरिक 47,000 रुपए के कर्जे में है। क्या इस तरह की योजनाएं चलनी चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से मैंने भी कल सुना था, कोई बोल रहा था कि बोले इतना कर्ज हो गया 47,000 50,000, तो मेरे हिसाब से तो वो उन्होंने भी बोल दिया कि अब होगा 55,000 भी हो सकता है, 55,000 भी हो सकता है। तो मेरे भाई, जब बड़ा भाई यदि मकान बेचता है तो छोटा भाई ने रोकना चाहिए, अपन रहेंगे कहाँ, तो ऐसे तुमने उसको रोकना चाहिए था, या तुमने 1500 वाली योजना ही नहीं चालू करना थी, 500 रुपये में गैस की टंकी नहीं चालू करना थी। मतलब तुम कर्जे, मतलब आदमी को कर्जे में तुम डाल रहे हो। आज 47,000 रुपये कर्जा है, आदमी जिंदा है, कल 55,000 का कर्जा होगा, इसके बाद में और चुनाव आएगा, फिर बोल दो कि 3,000 रुपये दे देंगे, तो कर्जा कहाँ जाएगा? गैस की टंकी तुम तो फ्री में बांट दोगे, अभी 500 में दे रहे हो, कल फ्री में बांट दोगे, तो फिर कर्जा कहाँ जाएगा? मतलब कहीं ना कहीं रेवड़ियों को रोका जाना चाहिए। रोका जाना चाहिए। जितेंद्र जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि कहीं ना कहीं रेवड़ियों को रोका जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार अपने ओटों के चक्कर में, शिवराज सिंह जी 1,000 की घोषणा करते हैं तो कमलनाथ जी अपने 5 वादों के साथ उतर जाते हैं, कहते हैं 1500 देंगे, शिवराज सिंह जी को उसको बढ़ा करके 1250 करना पड़ता है, आखिरी में यह तक कहना पड़ता है कि 3,000 तक ले जाएंगे। तो इन योजनाओं को आखिर निष्कर्ष क्या हो रहा है? केवल वोट, पैसों के लिए? एक पुराने चुनाव की बात करें, आप भी बहुत सारे आपने मतदान किया है और मैंने आपने चुनाव देखे हैं, पहले क्या होता कि पैसों के साथ में लोग पकड़े जाते थे, चुनाव में बांटने वाले लोग पकड़े जाते थे कि आज फलानी जगह पे दबिश की दबिश में चुनाव का इतना पैसा पकड़ा गया। आज सीधे तौर पे आम जनता के जेब में DBT के नाम पे पैसा डाला जा रहा है, क्या सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मुझे बताओ कि 70 साल में तुमको कभी नारी सम्मान नहीं दिखा? 70 साल में कभी नारी सम्मान नहीं दिखा तुम्हारे? ये अभी जब से चुनाव हारे, सरकार गिरी, उसके बाद से तुमको नारियां दिखने लग गई। मतलब कहीं ना कहीं रेवड़ी की शुरुआत कांग्रेस ने की है। हाँ, कांग्रेस ने रेवड़ी की शुरुआत कर दी। तो भाजपा को करना पड़ा। भाजपा को करना पड़ा है। पर ये रेवड़ियां सही है क्या? नहीं है। अच्छा, अब हम बात मुझे बताओ, मैं तो एक बात बोलना चाहता हूँ दिनेश जी आपके चैनल के माध्यम से, कि सरकार को इतनी समझ होना चाहिए कि जैसे जीतू पटवारी जी बोल रहे हैं कि गेहूँ समर्थन मूल्य 3,000 रुपये होना चाहिए, 3,000 रुपये होना चाहिए, तो मुझे बताओ कि एक मध्यम वर्गीय परिवार गेहूँ को कैसे खाएगा? तीन हज़ार रुपये क्विंटल आपने तो बोल दिया, जीतू पटवारी जी का ऐसा कहना है, तो मुझे बताओ कि मध्यम वर्गीय परिवार जो एक बेचारा गरीब परिवार को कैसे खाएगा 3,000 रुपये क्विंटल के गेहूँ? आज 22 रुपये किलो में तो उससे खाते नहीं बन रहा है। वो तो अच्छा है प्रधानमंत्री जी है तो जो फ्री में गेहूँ बांट रहे हैं वो लोग उन खा रहे हैं उसमें। आपने मध्यम वर्ग की बात कही, किसानों को देने की बात कही, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मान निधि के नाम पर 4,000 रुपये देते हैं और PM जो है नरेंद्र मोदी जी सम्मान निधि के नाम पर 6,000 रुपये देते हैं, ये भी तो एक रेवड़ी हुई। बिल्कुल रेवड़ियाँ है ना, ये तो चुनाव आपने कल बोला तो सही कि 47,000 का हो कि 55,000 का हो, उन्होंने आपके चैनल के माध्यम से मैंने सुना, एक वक्ता ने बोला है, बोले 47,000 का हो कि 55,000 का हो, मतलब कुल मिला के दोनों पार्टियाँ राज्यों को बेचना चाहती है बस, दूसरा और कुछ नहीं है। अभी क्या स्थिति रहेगी मध्य प्रदेश में, किसकी जीत होगी? शिवराज सिंह की जीत होगी। खरगोन में 6 सीटें भाजपा की गई थी, क्या स्थिति रहेगी, यहाँ भाजपा काबिज हो पाएगी? देखो, 4 लोगों का रेसा रहेगा। खरगोन को लेकर अभी कोई स्थितियाँ स्पष्ट नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं बालकृष्ण पाटीदार और रवि जोशी के बीच कड़ी टक्कर है और इसको लेकर अभी भी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। एग्जिट पोल में भी केवल निमाड़ के आंकड़े बताए गए हैं, खरगोन का कोई भी आंकड़ा क्लियर नहीं हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं 3 तारीख को ही डिसीजन होगा कि कौन विधायक बनेगा, किसकी सीट रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही प्रत्याशी, एक तरफ बालकृष्ण पाटीदार मंत्रित्व का दावा रखते हैं, मतलब मंत्री बनने का दावा रखते हैं, तो वहीं रवि जोशी भी मंत्री बनने का एक तरीके से अपना अधिकार रखते हैं, क्योंकि उन्होंने, यदि उनकी जीत होती है तो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी जीत उनकी मानी जाएगी। कल और आज में हमने लोगों की राय जानी, एग्जिट पोल को लेकर भी राय जानी, लोग एग्जिट पोल को लेकर कितनी खुशी है, कितना माहौल है, ये सब जानने का प्रयास किया है। हालांकि नतीजे जो हैं 3 तारीख को ही तय होंगे और 3 तारीख को ही डिसीजन तय होगा कि किसकी सरकार बन रही है, मध्य प्रदेश का किंग कौन है,
तीन तारीख को हम आपके साथ सीधे लाइव रहेंगे। 3 तारीख को सुबह 7 बजे से ही हमारा लाइव चालू हो जाएगा SW24 न्यूज मध्य प्रदेश के माध्यम से। इस लाइव को आप देखेंगे और आप यूट्यूब पर भी इस लाइव को देख सकते हैं। मोबाइल पर घर से बाहर हैं, टेलीविज़न के अलावा मोबाइल पर भी देखना चाहें तो मोबाइल पर भी इस लाइव को देखा जा सकता है। मोबाइल पर आपको SW24 न्यूज मध्य प्रदेश सर्च करना है और सर्च करने के बाद में लाइव के ऊपर क्लिक करके आप हमारी इस लाइव लिंक से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और सुबह से लेकर शाम तक, जब तक कि मध्य प्रदेश का आखिरी अंतिम नतीजा नहीं आ जाता, तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपको हमारे साथ जुड़कर इस हर नतीजे को लेना है, हर अपडेट को लेना है और हमारे साथ दिन भर आपको रहना है। हम सभी, हमारी SW24 न्यूज मध्य प्रदेश की पूरी टीम आप सभी को इस लाइव से जुड़ने के लिए आमंत्रित करती है। आप सभी 3 तारीख को, 3 दिसंबर को यानी रविवार के दिन सुबह 7 बजे से हमारे साथ जुड़ जाएं और हर नतीजा, हर अपडेट हम आपको सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हर अपडेट को आप तक पहुंचाने का पूरा हमारा प्रयास रहेगा। ग्राउंड से लेकर के हम आपको ग्राउंड पे भी दिखाएंगे, ग्राउंड पे क्या हो रहा है, मतदान सेंटर पर क्या हो रहा है, काउंटिंग स्थल पर क्या हो रहा है, काउंटिंग स्थल के बाहर और काउंटिंग स्थल के अंदर हर चरण की गणना आपको दिखाएंगे। स्क्रॉल में भी चलेगा और डायरेक्ट लाइव के माध्यम से भी आपको दिखाया जाएगा। तो आपको लगातार हमारे साथ जुड़े रहना है। 3 तारीख को हमें एक तरीके से आपसे एक विनर में अपील करता हूँ कि 3 तारीख को आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे।